हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 5 है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रिक्शन। तो हमें पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रिक्शन हम किसे बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है। फ्रिक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रिक्शन। बोला गया है जब न्यूमरेटर है वो कैसा हो, लेस देन हो, मतलब छोटा हो डिनोमिनेटर से। तो हमें पता चल गया प्रॉपर फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, कि जो न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर का मतलब जो ऊपर वाला नंबर हो वो कैसा हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से। अब एग्जांपल देखते हैं। देखो ये 3 है जो कैसा है, छोटा है 5 से। तो हाँ, यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था, जो न्यूमरेटर हो कैसा हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से। फिर है सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। बोला गया है अभी जो न्यूमरेटर था अभी हमारा छोटा हो रहा था प्रॉपर में, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, जो आपका न्यूमरेटर था वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए देन, और या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, तब भाई क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। तो देखो अब एग्जाम्पल देखें, जो हम देख रहे हैं ये 4 क्या है, न्यूमरेटर, ये आपका कैसा है, बड़ा है, और 3 कैसा है, छोटा है। इसका मतलब ये डेफिनेशन का क्या कैसे निकले बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को कैसे बोलेंगे, जो न्यूमरेटर है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब है लाइक फ्रिक्शन। क्या है लाइक फ्रिक्शन, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। फ्रिक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रिक्शन। क्या बोला गया, जब डिनोमिनेटर दोनों के कैसे हो, सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, लाइक फ्रिक्शन। एग्जांपल देखो, नीचे के जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हैं, सेम है। अब है अनलाइक। सब लाइक में कैसे थे, जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, तो अनलाइक में क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर होंगे वो कैसे ना हो, सेम ना हो। क्या है, फ्रिक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक। इसका मतलब क्या निकला, जो भी डिनोमिनेटर होंगे वो कैसे ना हो, सेम ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक। फिर है यूनिट फ्रिक्शन। यूनिट फ्रिक्शन की होती है फ्रिक्शंस विथ वन एज द न्यूमिरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस विथ वन एज अ न्यूमिरेटर, जो वन हो कैसा हो, एज अ न्यूमिरेटर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रिक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, वन क्या है, न्यूमरेटर है। देखो जैसे 1/2 हमने नोट किया, तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। इस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रिक्शंस हुज वैल्यू इज लेस देन 1। अभी हमने पढ़ा था कि क्या बोला गया है, जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो तो वह कौन सा फ्रिक्शन होगा, प्रॉपर फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन विथ दी सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, जिनके नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो, उन्हें क्या बोलेंगे, लाइक। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था। फिर है इफ़ इन अ फ्रिक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बोला गया है कि जो न्यूमरेटर हो ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो हमने किसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, इम्प्रॉपर की। फिर है इन फ्रिक्शन 5/9 फ्रिक्शन में 5 इज अ, अभी मैंने बताया था जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो जो 5 था वो क्या हो गया आपका, न्यूमरेटर, और जो 9 था वो आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर। अब है बी, क्लासीफाई दी फॉलोइंग फ्रिक्शंस एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्सड और यूनिट। आपको बोला गया है आपको क्लासीफाई करना है, यानी कि वर्गीकरण करना है, मतलब बताना है कि जैसे 3/7 है तो आप कैसे बताओगे ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, या मिक्स है, या यूनिट है, तो आपको क्या करना है, बताना है। जैसे फर्स्ट है 3/7, सब हमने डेफिनेशन में 3/7 हमने देखो अभी प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, मिक्स्ड, इन सब की डेफिनेशन पड़ी हुई है। इसके हिसाब से हम देख रहे हैं जो हमारा जो न्यूमरेटर है 3 वो कैसा है, छोटा है, और जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, बड़ा है। अभी हमने प्रॉपर की डेफिनेशन में पढ़ा था प्रॉपर फ्रिक्शन की, कि जो न्यूमरेटर वो कैसा हो, छोटा हो, जो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो भाई कौन सा फ्रिक्शन होगा, प्रॉपर। तो ये वैल्यू तो देखो इसमें सेटिस्फाई हो रही है ये वाली डेफिनेशन, तो इसका मतलब क्या निकला, ये क्या है, प्रॉपर फ्रिक्शन है।
अब जैसे 1/9 देखो, 1 कैसा है, छोटा है, और 9 कैसा है, बड़ा है। ये देखो, एक तो आपका प्रॉपर फ्रिक्शन भी निकलना है, और आपने एक चीज़ आपने पढ़ी थी यूनिट फ्रिक्शन में। यूनिट फ्रिक्शन में क्या पढ़ा हुआ था कि जो बंदा जैसे ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नीचे क्या हो, 9, तो उसे आप क्या बोल सकते हो, यूनिट फ्रिक्शन बोल सकते हो। तो क्या भी हो सकता है, यूनिट फ्रिक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रिक्शन हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, कितना दिया गया है, 7/21। कितना दिया गया है, 7/21। तो आप देख रहे हो 17/21। तो आप देख रहे हो जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, छोटा है, और जो आपका जो नीचे देख रहे हो 21, वो कैसा है, बड़ा है। ये तो हमारी कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, प्रॉपर वाली। तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रिक्शन। इस टाइप से आपको करने हैं क्वेश्चन फर्स्ट वाला। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रिक्शंस बोला गया है। सो आपको जैसे 106/11 दिया गया है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये देखो कैसे करेंगे हम, ही रहा सी। इसमें लिखा हुआ है 106 लिखा हुआ है अपॉन 11, तो हमें क्या करना है, 11 का डिवाइड करना है साइड में 106 में। तो हमने 11 का डिवाइड किया 106 में, कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम। तो 11 9 99, जब हमने 106 में से 99 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, 7। तो बस आपको इसमें क्या, आपको डिवाइड करना तो अभी तक आता ही है, क्योंकि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं डिवाइड करते। इसमें क्या ज़रूरी चीज़ है, क्या नोट पॉइंट है, कि आप इसको लिखोगे कैसे, नोट कैसे करोगे मिक्स फॉर्म में। देखो हम जिस नंबर से डिवाइड देते हैं वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ये आपको ध्यान देना है। जो आपका रिमाइंडर आता है उसे कहाँ लिखना है, ऊपर, और जितने टाइम्स आता है उसे कहाँ लिखना है, ये देखो यहाँ पे। तो आपके मिक्स फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाएगा। अब सेकेंड वाला देखो, हमें क्या कर देना है, 36 में 13 को डिवाइड करना है किस में, 46 में। तो देखो हमने साइड में क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो हमने अभी हाल देखा था, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे नीचे, जितना रिमाइंडर आता है वो ऊपर, देखो जितने टाइम्स आता है वो इस टाइप से हमें नोट करना है। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया था, ये आपको मिक्स फॉर्म देख रही है, जब भी मिक्स फॉर्म होगी तो देखो किस टाइप से रहती है, मिक्स फॉर्म इस टाइप से रहती है, ठीक है। अब आपको बोला गया है आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू इम्प्रॉपर में। अब इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, तो इम्प्रॉपर में देखो हम किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसमें क्या कर देते हैं, ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं साइड में किया है, पहले सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 7 में किया, कितना आ गया, 28। ऊपर जो हमारा जो न्यूमिनेटर था वो कितना था, 1 था, तो हमने 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 29। और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर था वो कितना था, 7, तो हम कैसे नोट कर देंगे, 29/7। अब ये वाला देखो सेकेंड, ये कितना दिया गया है, अब इसको क्या करना है, आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, जितना आएगा उसमें क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है। तो 11 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया तो कितना आ गया, 33, और प्लस क्या करना था, 2, तो कितना हो गया टोटल, 35। तो कैसे लिखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 35/15। इस टाइप से आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं दो दो, इसके बाद जो भी आपके बाकी हैं, जैसे देखो 3 बाकी हैं, यहाँ भी 3 बाकी हैं, यहाँ 4 बाकी हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता कहाँ से सॉल्यूशन देखना है, ये रही डेफिनेशन। सारी एक्सरसाइज डेफिनेशन पर ही डिपेंड है, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न हो गई, अच्छे से समझ में आ गई, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली हो जाएगी, कुछ भी टफ नहीं है इस चैप्टर में।